है श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय भक्तगणों, एक साल का सबसे कठिन व्रत देव व्रत निर्जला एकादशी आने को है। बहुत ही विष्णु प्रिय तिथि है, कहा जाता है निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य निर्जल रहकर इस उपवास को करता है उसे साल के सभी 24 एकादशी व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है, उसके पापों का शमन होता है। शास्त्र कहते हैं कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर आप किसी भी कारणवश पूरे साल की एकादशी नहीं रख पाते हैं तो मात्र आप निर्जला एकादशी का व्रत अगर विधि विधान से रखें तो आपको समस्त एकादशी के व्रत का जो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। साल में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो एकादशी के व्रत की संख्या 26 हो जाती है। इन सभी व्रत का फल हमें सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठोर होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है और ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी, इस गर्मी में निर्जल रहकर व्रत करना होता है। मतलब एक भी बूंद जल की ग्रहण नहीं करनी है। निर्जला एकादशी के व्रत में नियम यही कहता है, लेकिन इस व्रत में अगर निर्जल रहकर हम पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण को जरूरतमंदों को दान देते हैं, जल का अन्न का दान करते हैं, तो हमें समस्त एकादशियों के फल भी प्राप्त होते हैं, तो बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता हो, दानव हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। आर्षि वेद व्यास जी के अनुसार इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीम ने किया था और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, और महर्षि वेद व्यास जी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। इस एकादशी को भीम एकादशी व पांडव एकादशी कहीं जाने के पीछे एक पौराणिक छोटा सा वृतांत आपको बताता हूं। जब व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि आप नरक को दूषित समझते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति को आप जरूरी समझते हैं तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, तभी भीमसेन बोले कि मैं एक बार भी भोजन किए बिना मैं नहीं रह सकता, फिर उपवास कैसे करूं, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा जिसको करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब महर्षि वेद व्यास बोले, महाबली भीम, तुम पूरे वर्ष में आने वाली एकादशी व्रत ना रखकर सिर्फ जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रखो, तुम्हें सभी एकादशी का फल मिलेगा और इस एक दिन निर्जल व्रत करने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है। मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्कर विमान पर बैठाकर स्वर्ग लेकर जाते हैं। भीमसेन ने इस व्रत को रखने को तैयार हुए और व्रत को रखा, इस व्रत को पूर्ण किया और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। इसी वजह से इस व्रत को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में, फिर आपके सारे प्रश्नों के जवाब हम आज के वीडियो में देंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। इस बार निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से, इसके साथ ही तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर, और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा। तो दिखिए, क्योंकि अगले दिन 18 जून को तो बाद सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता, हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। ऐसे में जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हो उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद व्रत का पारण करना होगा। ऐसे में एकादशी का उपवास अधिक समय के लिए हो जाएगा, इसलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते और 17 जून को ही उपवास रखना चाहती हो तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो तो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। हालांकि शास्त्र सम्मत तथ्य यही है कि जब भी एकादशी तिथि इस तरह से दो दिन पड़ती है तब सभी को, चाहे वह गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, उन्हें दूजी एकादशी का ही उपवास रखना चाहिए। 18 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा, सुबह 5:45 पर सूर्यास्त होगा, शाम 7:10 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। शिव योग सारा दिन रहेगा जो कि रात 9:38 पर समाप्त हो जाएगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:54 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। 19 जून बुधवार को सूर्योदय होगा, सुबह 5:45 पर सूर्यास्त होगा, शाम 7:10 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सिद्ध योग सारा दिन रहेगा जो कि रात 9:11 पर समाप्त होगा और इसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। यह सभी लोग बहुत ही शुभ हैं। इन शुभ योगों में रखी गई पूजा, रखा गया उपवास फलित होता है। विशाखा नक्षत्र शाम 5:23 तक रहेगा, बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:28 पर। क्योंकि बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको उपवास खोल लेना होगा। अब जाने का पारण मुहूर्त के बारे में, 19 जून बुधवार को एकादशी व्रत का पारणा किया जाएगा सुबह 5:28 से सुबह 7:28 तक। निर्जला एकादशी व्रत का पारण, जो तिलेन पारण यानी कि तिल से व्रत का पारण है, यह संभव न हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। दोस्तों बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में, कुंवारी लड़कियां क्या व्रत कर सकती हैं? तो देखिए, सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकते हैं और एकादशी के व्रत का भी आप पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्ति कराने वाला, श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला, यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है, पुरुष, स्त्री, कुंवारी लड़की हो या विवाहिता हो, कोई भी इस व्रत को करें, इसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। तो इसमें कोई ऐसी एज लिमिट नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आप शरीर में आपके क्षमता है व्रत रखने की, तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। और हां, अगर आप व्रत निर्जल नहीं रह सकते हैं तो आप जल के साथ रह सकते हैं, जल नहीं ले सकते हैं तो फल के साथ रह सकते हैं। और जो लोग फलाहार से भी व्रत नहीं रह सकते हैं, आज के दिन अगर वह एकादशी की व्रत में अन्न लेकर भी, मतलब सात्विक भोजन के साथ व्रत करेंगे, तो उनको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है।
जितना अधिक सामर्थ्य आप में है, जितना आपके शरीर में क्षमता है, उतना प्रयास व्रत को रखने का जरूर कीजिए। अगला जो प्रश्न है, पानी कब और कैसे पीना चाहिए, कब से कब तक निर्जल रहना चाहिए। देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत में नियम कहता है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक, यानी कि पारण तक, आपको निर्जल रहना है, पानी नहीं पीना है। निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है, खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है, या ऐसी स्थिति आ पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप पुण्य व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आमचन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। अब बात करें, निर्जल नहीं रह सकते हैं तो क्या करें अगर व्रत करना चाहते हैं। हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें, उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं। जैसे कि कुछ समय कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे कि हम प्रातः काल की संकल्प ले लें कि हम आज सूर्योदय से लेकर कल सुबह तक निर्जल ही रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे कि हम निर्जल रह पाए, तो आप प्रयास करें। जितनी समय आप निर्जल अधिक से अधिक रह सकते हैं, मान लीजिए आप दोपहर तक रह सकते हैं निर्जल, तो दोपहर तक रहेंगे। दोपहर में फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, पूजा आराधना करके आप जल ग्रहण कर लीजिए। अगर आप नहीं रह पाते हैं और आप चाहे तो शाम तक रह लीजिए, मतलब अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करना चाहिए व्रत को पूरा करने का। तो अगर आप शाम तक रह पाते हैं, देर शाम को फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु पूजा आराधना करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जल आचमनी में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जल आहार करें, मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई चीज ऐसे दांतों से चबाकर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर आप चाय ले लीजिए, जूस वगैरह लेकर इस व्रत को कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, तो आप इस तरह से भी व्रत का पालन कर सकते हैं। आप सिर्फ जूस चाय द्वारा जल द्वारा इस व्रत को कर लीजिए, मतलब जलाहार के द्वारा। अगला जो नियम है कि अगर आप जल से भी सक्षम नहीं है, आपको कुछ ना कुछ खाना जरूरी है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं व्रत का फल आपको मिले, कुछ तो मिले, जितना भी हम करेंगे कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ले लीजिए, या फिर आप भी जो फलाहारी भोजन होते हैं आप उसे ग्रहण करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। मतलब आप जितना भी आप प्रयास करें कि आज का दिन आपका व्यर्थ न जाए, निर्जला एकादशी है,
साल की सबसे बड़ी एकादशी है तो आप अधिक से अधिक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके तो आप व्रत के जो भोजन होते हैं फलाहारी भोजन जो होते हैं आप उसे लेकर के भी व्रत कर सकते हैं। सेंधा नमक ले सकते हैं और आप जैसे के व्रत फूड जो होते हैं कुत्तू का आटा सिंघाड़े का आटा इसके द्वारा भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप इससे भी सक्षम नहीं हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप अन्न लीजिए सात्विक भोजन लीजिए। सात्विक भोजन का मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। इससे भी आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। व्रत की कथा सुनिए और आज भगवान की पूजा आराधना कीजिए उनके मंत्रों का जाप कीजिए। अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप व्यतीत कीजिए तो आप अगर अन्न लेकर भी इस व्रत को सात्विक विधि से पालन कर लेते हैं तो भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर मिलेगी। वैसे निर्जला एकादशी का नियम है कि हमें पूरी तरह से निर्जल रहकर ही व्रत करना चाहिए। तो अगर आप स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से सक्षम है कि आपने निर्जल रह पाए तो कोशिश करें कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर एकादशी द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल रहे तभी इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। बाकी जो नियम है जैसे जल आहार फलाहार या फिर अन्न का आहार ले रहे हैं तो इसमें यह हो जाएगा कि आपको एकादशी का कुछ फल तो अवश्य प्राप्त होगा। श्री हरि विष्णु की कृपा तो मिलेगी क्योंकि आपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार प्रयास किया। इस विधि से आप रह सकते हैं। अगली चीज निर्जल व्रत रह रहे हैं। हमें संकल्प लिया है निर्जल का लेकिन क्या हम चाय और दूध पी सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं? नहीं। अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया है मतलब जल नहीं पी रहे हैं तो यह कोई विकल्प नहीं होता है कि जल नहीं लेंगे लेकिन हम चाय पी लेंगे दूध ले लेंगे जूस ले लेंगे और हमारा व्रत फिर भी निर्जल कहां जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप निर्जल हैं मतलब आप सिर्फ निर्जल हैं, आप आचमनी से ही जल ले सकते हैं। जो पूजा के समय आचमनी नहीं ली जाती है तो इसी तरह से हमें निर्जल रहना चाहिए और व्रत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखा जाता है। तो अगर आप अपने शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं तभी आप पूरी तरह निर्जल का संकल्प लें और जो एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि पूरी तरह से निर्जल रहकर की व्रत करें मतलब एकादशी से द्वादशी तक निर्जल ही रहना है। कुल मिलाकर अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प किया है तो आपको पारण के समय जल लेना है। बाकी आप अगर शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल या जलाहार ले रहे हैं तो आप बिल्कुल जल ले सकते हैं। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है पूरे समय तो आप जल ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है दान किन चीजों का करें? आज के दिन आप गौ का दान कर सकते हैं स्वर्ण का दान कर सकते हैं। भूमि दान का महत्व है और आज के दिन दान में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का वस्त्र का दान कर सकते हैं फलों का दान कर सकते हैं सब्जियों का दान कर सकते हैं। अब जैसी आपकी सामर्थ्य जितना आपके पास से धन की क्षमता है उस हिसाब से आपको दान करना चाहिए। एकादशी के दिन जल दान का आज विशेष महत्व है तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए क्योंकि जल दान से ही सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत में तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए। जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। आप अपनी छत पर किसी पात्र में जल भरकर रखें जो कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप पर राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं प्याऊ लगा सकते हैं या कहीं पर भी आप शरबत बंटवा सके बोतल में पानी भरकर दे सके किसी भी जरूरतमंद को प्यासे को तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन किस दिन दान करना श्रेष्ठ होता है? देखिए दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं और द्वादशी के दिन तो हमें दान करना ही होता है। अपने पारण से पहले दान करना श्रेष्ठ होता है और जरूरी होता है तो एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन में किसी भी दिन आप दान कर सकते हैं या दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। कोई संशय मन में नहीं है। इस समय में जरूरत की चीजें दान की जाती है जैसे कि गर्मी का मौसम है तो छाता दान करें
पंखा दान करें, जूता दान करें और सीजनल फ्रूट्स होते हैं, खरबूज तरबूज इत्यादि दान करें तो बहुत श्रेष्ठ दान है यह, और इनमें बहुत अधिक खर्चा नहीं है। और हाँ, जितनी चीजों का आप दान कर सकते हैं उतनी ही चीजों का दान करें। कोई ऐसा भार नहीं है आपके ऊपर की जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हूं, सभी चीजों का हमें दान करना है। आप जो दान कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, किसी को पानी का दान कर सकते हैं तो वह कर दीजिए। मतलब जितना आपसे हो सकता है उतना आप दान करें, और दान का फल हमेशा श्रेष्ठ होता है। सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। कलश के दान की विधि क्या है? देखिए, कलश में जल भरना होता है तो आपको मिट्टी का कलश लेना है। आप चाहे तो तांबे का या किसी धातु का भी कलर ले सकते हैं। तो आप पर कलश में शुद्ध जल भरे, अपने घर में ही आपको शुद्ध जल भरना है। घर से ही जल भरकर लेकर जाना है तो कलश में आपको शुद्ध जल भरना है। उसके ऊपर आपको सफेद कपड़ा रखना है। सफेद कपड़े से उस कलश को ढक दीजिए और उसके ऊपर चीनी रखना है। और अगर आप और भी चीजें दान करना चाहते हैं, जैसे फल दान कर सकते हैं, आप इस कलश के साथ या पंखे का दान कर सकते हैं, तो इस तरह से फल वस्त्र उस कपड़े के साथ ही आपको कलश भी लेना है। और दक्षिणा के साथ दान करना है तो कलश में शुद्ध जल भरे, उसके बाद उसे सफेद कपड़े से ढके, उसके ऊपर आपको चीनी रखनी है, और उसके बाद उसके साथ में आप जो भी वस्तु दान करना चाहते हैं, वस्त्र अन्य और पंखा जो भी आप दान करना चाहते हैं साथ में रख लीजिए। दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे रख लीजिए, और इसके साथ ही आपको ले जाकर यह किसी ब्राह्मण को दान करना है, या फिर आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो कलश दान करने की यही विधि होती है। कलश में आपको शुद्ध जल जो भरना है वह अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप खाली कलश लेकर जाएं और पंडित जी के घर पर ही आप कलश भरे और वहां से उनको दान कर दे, ऐसा नहीं करना। घर से ही आपको सारी सामग्री तैयार करके लेकर जानी है, और चाहे तो आप पंडित जी को दान कर दीजिए, या फिर आप पर मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो इस विधि से हमें एकादशी के दिन दान करना होता है, और एकादशी का व्रत निर्जला, एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को अगर आप नियम पूर्वक कर पाते हैं, पूरे विधि विधान के साथ, जैसे कि निर्जल रहकर, तब तो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो जितना भी आप में सामर्थ्य है, जितनी भी आपके शरीर में क्षमता है, फलाहार जलाहार या फिर आप व्रत के आहार लेकर इस व्रत को करने का पूरा प्रयास शुरू करिए, ताकि आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जितना भी अधिक से अधिक प्राप्त हो सके उतना आप प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जो आप लोगों के मन में प्रश्न थे, उन प्रश्नों के जवाब जो मैंने दिए आप संतुष्ट होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।